एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट बिल को पढ़ेंगे जिसका नाम है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022। ये बिल पास हुआ है अगस्त 1, 2022 को। इससे पहले जो हमारा लॉ था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, ये एक्चुअल एक्ट 2005 में पास हुआ था। जो एक्चुअल एक्ट था वो फंडिंग में किसी भी तरीके से बैन नहीं लगाता था, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ वेपन पे बैन लगाता था। बट जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे शॉर्ट में हम FATF कहते हैं, उसकी जो मैंडेट है वो कंट्रीज़ को कहते हैं कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जिस भी तरीके के जो भी मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनकी फाइनेंसिंग पे भी रोक लगाया जाए। तो इस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए ये 2022 का बिल लाया गया। करंट बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स पे बैन लगाता है, फाइनेंसिंग पे उस पर कोई भी प्रोविजन नहीं था। बट इस नए बिल में नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसका जो है 12A, जो कि कहता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी ऐसी एक्टिविटी को जो इस एक्ट द्वारा प्रोहिबिटेड है, अगर उसमें फाइनेंस नहीं करेगा, इस चीज़ पे वो बैन लगाता है। तो याद रखिएगा, इसमें एक नया सेक्शन ऐड किया है। जब भी किसी एक्ट में नया सेक्शन ऐड होता है तो वो वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इस एक्ट के थ्रू अब किसी भी तरीके से जो भी इलीगल ट्रेडिंग हो रही है वेपन की, या जो भी मास डिस्ट्रक्टिंग वेपन्स हैं, उनकी फाइनेंसिंग पे पूरी तरीके से रोक है। ये बिल जो है यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व है इस तरीके की एक्टिविटी में, उनके जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या फाइनेंशियल असेट्स हैं, उनको फ्रीज और अटैच करने का, फ्रीज और सीज करने का। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ओरिजिनल एक्ट था वो 2005 का था, वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लगाता था, ना कि फाइनेंसिंग पे। तो ये एक्ट याद रखिएगा कि फंडिंग पे बैन लगा रहा है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसमें एक नया सेक्शन भी ऐड किया गया है, सेक्शन 12A। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। ऑन अगस्त 1, 2022 वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल वॉज पास बाय पार्लियामेंट। द बिल सीक्स टू बैन फंडिंग ऑफ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। जो करंट एक्ट था दैट ओनली कवर्स द ट्रेडिंग ऑफ द वेपन एंड नॉट द फाइनेंसिंग, इट इज़ इन द लाइन विद द मैंडेट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच आस्क कंट्रीज टू इंश्योर दैट द असेट्स फाइनेंसिंग फॉर सच वेपन इज प्रोहिबिटेड। अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज के लिए ये याद रखिएगा कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरपर्सन टी राजा कुमार हैं। द बिल एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू फ्रीज सीज और अटैच फाइनेंशियल असेट्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अमेंडमेंट विल एड अ न्यू सेक्शन 12A इन द एग्जिस्टिंग लॉ अकॉर्डिंग टू विच पर्सन शैल नॉट फाइनेंस एनी एक्टिविटी विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट। द वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम एक्ट वॉज पास इन 2005 एंड इट ओनली पुट्स बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन।